वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम इन ज्ञान बिंदु यूट्यूब चैनल मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको बताता हूं कि आप कैसे अटेम्प्ट करें कैसे उन क्वेश्चन को रीड करें कैसे केयरफुली सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें और जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स है उनको आप कैसे एक्सक्लूड करें यह सबसे इंपॉर्टेंट है सब जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि कोई चीज गलत गलत क्यों है उस दिन आपको कहीं भी सही चीज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग आप सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है आप प्लांट सेल विथ टर्गर प्रेशर ध्यान से सुनेंगे अ प्लांट सेल विथ टर्गर प्रेशर टीपी टर्गर प्रेशर मीन्स टीपी ऑब्जॉपन पावर ऑफ द वाटर इज 0.1 पॉइंट वन एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी

ट्रांसफर कर दिया सेल को जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 0.6 पॉइंट सिक्स मेगापास्कल कंसिडरिंग दैट ऑल दैट ऑल अदर प्रेशर एंड हैव नो इफेक्ट ऑन वाटर पोटेंशियल आपको मान के चलना है कि और कुछ वाटर पोटेंशियल पर इफेक्ट नहीं कर रहे है, तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट वी आर रिकॉर्डेड है ना आपको देखना है कि क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है बोल रहा है वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लांट सेल वाटर पोटेंशियल कह रहा है कि सॉल्ट सॉल्यूशन का पानी का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है जबकि आप क्या देख रहे हैं कि पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 0.6 पॉइंट है और इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है प्लांट सेल का 0.7 है तो सी बात है वाटर uh, पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा प्लांट सेल का ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे तो uh, क्या बोल रहा है वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन विल बी हायर एज कंपेयर टू द प्लांट सेल ठीक है uh, तो ये स्टेटमेंट गलत है फिर कह रहा है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी हायर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी लोअर वाटर पोटेंशियल अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम करेगा बट हायर टर्गर प्रेशर हायर टर्गर प्रेशर विल बी रेज वाटर पोटेंशियल देयरपुर बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट वाटर पोटेंशियल बिल्कुल सही है आपको दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और टर्गर प्रेशर क्या है इन दोनों के बेसिस से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर बोल रहा है देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं पानी का तो मूवमेंट होगा ही है ना तो कहां से होगा हायर द टर्गर प्रेशर विल फोर्स द वॉटर टू मूव आउट आउट ऑफ द सेल तो पानी कहां से निकल जाएगा सेल से बाहर जाएगा क्यों क्योंकि क्या चलेगा एक्सो ऑस्मोसिस क्या चलेगा एक्जोसमोसिस तो क्या हो गया बी एंड डी इज सॉरी बी एंड सी इज करेक्ट आंसर बी एंड सी इज करेक्ट आंसर क्योंकि दोनों में नेट चेंजेस बहुत कम है तो बी एंड सी इज करेक्ट आंसर तो क्या हो गया आंसर बी एंड सी ओके फिर फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस का क्या कह रहे हैं आपसे फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस कुछ स्टेटमेंट्स नीचे फोटोसिंथेसिस के लिए दिए हुए हैं कह इन टू कन्वर्जन ऑफ थ्री थ्री फॉस्पेट इज अ रिडक्शन प्रोसेस विच यूटिलाइज एटीपी विच यूटिलाइज एटीपी एंड एन ए इन कैलविन साइट इन कैलविन साइकिल पहले क्या ध्यान रखना है लाइट रिएक्शन जब चलता ध्यान से सुनेंगे जब लाइट रिएक्शन चल रहा था कहां पर में, में तो क्या क्या हुआ था वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी और क्या बना हुआ है एटीपी एंड क्या बना हुआ है एटीपी और क्या बना था एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस और यही एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस प्लांट यूज़ करता है कार्बन फिक्सेशन में तो ये जो स्टेटमेंट है कन्वर्जन लेकिन ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए की बारीकी को आप देखिए अगर एनएडीपीएच और एन में आपको डिफरेंस नहीं हुआ आप तुरंत माइनस फाइव करके चले आएंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है क्यों क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए एन स्टेटमेंट ने क्या लिखा है एन ठीक है तो अब बोल रहा दूसरा स्टेटमेंट कन्वर्जन ऑफ रैबुलोज फाइव फॉस्पेट टू रेबिलोज वन फाइव बिस फॉस्पेट यूटिलाइज वन थर्ड ऑफ द टोटल एटीपी रिक्वायरमेंट ऑफ द कार्बन फिक्सेशन ऑफ इन द साइकिल करेक्ट लास्ट स्टेप ऑफ द सीथरी साइकिल जिसमें राइबिलोज फाइव फॉस्पेट इज कन्वर्टेड इन टू राइबिलोज वन फाइव बीस फॉसपेट विच इज एक्चुअल सी एक्सेप्टर टू इट रिक्वायर क्या रिक्वायर होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ ए स्टेटमेंट है ना अब कह रहा है कि सुक्रोस इज सिंथेसाइज्ड आउटसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड यूजेज यूरिड इन ट्राइफॉस्पेट टू एक्टिवेट ग्लूकोज फिर बोल रहा है स्टार्च इज स्टार्च इज अ ग्लूकोज पॉलिमर विच इज सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्टिस्ट्रोमा एंड यूजेज ए टीपी बिल्कुल ठीक है तो बी एंड डी इज करेक्ट आंसर वैसे भी आप देखेंगे एक ही ऑप्शन में बी है कभी कभी इस तरह से आप फटाफट आंसर अपने एग्जाम को कम टाइम में मैनेज कर सकते हैं आपका क्वेश्चन टाइम सेविंग का तरीका आपका बी सही है तो बी और कहीं नहीं है मतलब मैं तो आपको पूरा बता रहा हूं कि आप पूरी चीजों को देखिए एनालाइज करिए लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आप, आप, आप कम टाइम में कैसे इफिशियंट बन सकते हैं तो उसके लिए कुछ इस तरह के ट्रिक भी यूज किए जाते हैं ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते है। कह रहे आपसे यहां पर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स फैक्ट्स नंबर ए सॉरी कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स फैक्ट्स नंबर ए क्या कह रहा है क्लोरोफिल एबजॉर्व मोर इन रेड लाइट रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम देन फॉर रेड कोई भी लाइट आपको पता है रेड लाइट के पास एनर्जी ज्यादा क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता देन द बिल्कुल ठीक है फिर कह रहा है द द फाइटोक्रोम पी ऑफ प्लांट ऑकर्स इन टू इंटर इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म फाइटोक्रोम आर फॉर्म फाइटोक्रोम रेड फॉर्म एंड फाइटोक्रोम फॉर रेड फॉर्म वेयर एज रेड लाइट कन्वर्ट्स पी आर टू पी एफॉर्म पी टू पी एंड फॉर लाइट कन्वर्ट पी टू पी बिल्कुल ठीक है फिर कह रहा ग्रोइंगेड इंक्रीज स्टेम स्टेमेशन जो शेडी एरिया में ग्रो ग्रो करते हैं जो सनी प्लांट है जिनको लाइट पसंद है अगर आप उनको डा, डार्क में ग्रो कराएंगे शेड एरिया में ग्रो कराएंगे तो वो क्या हो जाएंगे टॉल हो जाते हैं तो ये स्टेटमेंट Uh, कुछ प्रपोज किया है इन्होंने फैक्ट्स दिया है सारे फैक्ट्स बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्लांट ग्रोइंग अंडर कैनोपी एज कंपेयर टू तो दो द कैनोपी दो प्लांट एक कैनोपी के अंदर ग्रो, ग्रो कर रहा है दूसरा कैनोपी के बाहर ग्रो कर रहा है तो क्या डिफरेंसेस दोनों में आ सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में हम बातें करेंगे ना हम क्या करेंगे इसके रिस्पेक्ट में बातें करेंगे तो पढ़िए आप स्टेटमेंट क्या कह रहा है रेड फॉर रेड रेशियो इज लोअर बिल्कुल ठीक है रेड लाइट कम होगा फॉर रेड लाइट ज्यादा होगा सो पी आर और पीएफआर रेशियो इज हायर जिसमें इनएक्टिव का रेशियो कम एक्टिव का रेशियो इनएक्टिव का रेशियो बढ़ जाएगा एक्टिव का रेशियो कम हो जाएगा पी एफ आर इनहिबिट बिल्कुल ठीक है है ना बिल्कुल ठीक है क्यों क्योंकि भाई रेड लाइट अगर कम होगा ध्यान से सुनेंगे अगर रेड लाइट कम होगा तो कहने का मतलब ज्यादा क्या होगा फॉर रेड होगा क्या होगा फॉर रेड होगा राइट right? क्या होगा फॉर रेड होगा और अगर फॉर रेड होगा तो आपने क्या देखा है अगर रेड होगा तो आपका पीआर इट्स जो है फॉर क्या करेगा पीएफआर को किस में कन्वर्ट कर देगा पीआर आर और पी पीएफआर क्या है एक्टिव फॉर्म है ये किस में हो गया इनएक्टिव तो अगर फाइटोक्रोम इनएक्टिव ध्यान से सुनेंगे क्या थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है अगर फाइटोक्रोम इनएक्टिव हो गया तो प्लांट कैसा हो जा रहा था टॉल तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ और सोचना ही नहीं है रेड लाइट फॉर रेड रेड फॉर रेड का रेशियो कम होगा तो आपका फाइटोक्रोम इनएक्टिव होगा अगर फाइटोक्रोम इनएक्टिव होगा तो इलोंगेशन इनहिबिट नहीं होगा इलोंगेशन हो जाएगा ठीक है ना फिर है आपका यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अगेन फ्रॉम पोटोसेंथेसिस कह रहे फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स वन मिनट फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू प्लांट रेस्पिरेशन सॉरी प्लांट रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है ये। अब कह रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट थ्रो ग्लाइकोलाइसिस जनरेट एनएडीएच नॉट एनएडीपीएच सबको पता है चाहे प्लांट का ग्लाइकोलाइसिस हो बैक्टीरिया का हो किसी का भी हो एनिमल का हो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू पायरुवेट ियसली टू मॉलिक्यूल नेट टू मॉलिक्यूल एंड नेट टू ए टीपीजन इन द्लाइकोलिसम ऑफ ग्लूकोज ध्यान से सुनेंगे मेटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज थ्रो ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्पेट पाथवे ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्पेट पाथवे का मतलब क्या हुआ आपको uh, याद आया ऑक्सीडेटिव पीपीपी या जिसको आप बोलते हैं एच शंट बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं साइकिल डज नॉट प्रोड्यूस एनएडीएच यह बात गलत हो गई क्योंकि जब एच शंट चलता है तो एच शंट का मेन मोटो यही होता है एनएडीपीएच बने क्योंकि जितना ज्यादा एन बायोसिंथेटिक बनेगा बायो उतना स्ट्रॉन्गली चलेगा और दूसरा फाइव को आप कैसे भूल सकते हैं जो यहीं से बनता है यहीं से बनता है तो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रिकर्सर भी यहां से लेता है एनएडीएच भी यहीं से लेता है न्यूक्लियोटाइड के प्रिकर्सर राइबोज सुगर को भी यहीं से उठाता है तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया कौन सा गलत हो गया बी फिर बोल रहा है साइनाइट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ हीम आयरन ऑफ द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज लीडिंग टू प्रिवेंशन ऑफ चेंज इन वैलेंसी विच इन टर्म्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द रेस्पायरेटरी चेन वेरी ट्रू है ना करेक्ट बिल्कुल फिर क्या कह रहे हैं आपसे अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज इज इनसेंसिटिव टू साइनाइट हैज हायर देन दैट ऑफ़ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बिल्कुल ठीक है तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए ए सी एंड डी सो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम लोग भाई डी है ना लेकिन फिर भी आप मेरे ट्रिक को यूज करिए मैं भी आपके समय में जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी जब कंफ्यूजन होता था तो बस एक लाइन समझ में अगर आ गया कि बी गलत है तो देख लेते कहां बी नहीं है वही ऑप्शन लगा देते है. है ना लेकिन अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक एक लाइन को प्रॉपर बारीकी से समझिए आफ्टर दैट आप फिल करिए कोई जल्दी नहीं है लेकिन एग्जाम के टाइम में आप इस तरह से अपने समय को बचा सकते हैं जो बहुत जरूरी है तो अब आप देखेंगे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे। क्या कह रहा है ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर

कॉम्प्लेक्स एंड इंटर विथ सी टर्मिनल रीजन ऑफ सी सी टी इन लाइट डिपेंडेंट मैनर है ना जो आपका क्रिप्टोक्रोम इसके दो डोमेन है एक N दूसरा सी टर्मिनल तो इंपॉर्टेंट क्या है सी टर्मिनल क्या कह रहा है कि सी टर्मिनल रीजन इन दोनों से इंटरक्ट करता है लाइट डिपेंडेंट मैनर में अगर लाइट होगा तो क्रिप्टोक्रोम एक्टिव होगा क्रिप्टोक्रोम एक्टिव होगा तो कॉप एसपी पर बाइंड करेगा रेगुलट फोटोमोरफोजेसिसनेंगे कॉपन और एसपीए एक्ट एज अबिटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शनोटाइल और हाई फाइव एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ फोटोमोफोजेनेटिक जीन ध्यान से सुनेंगे हाई फाइव एक्ट एज अटिव रेगुलेटर ऑफ फोटोमोरफोजेनेटिक जीन सो फ्रेंड्स फ क्रिप्टोक्रोम इज इन एक्टिव देन दिस कॉपोन और एसपीटिव इफ क्रिप्टोक्रोम इज इन एक्टिव एस पी एक्टिव इफ कॉपोन एसपीटिव एक्सप्रेशन बिकॉज इट इज अर्फोजेनेटिक जीन कैसा जीन है भाई फोटोमोरफोजेनेटिक जीन है तो जैसे लाइट पड़ेगी ध्यान से सुनेंगे जैसे लाइट पड़ेगा जैसे लाइट पड़ेगा आपका क्रिप्टोक्रोम एक्टिव लाइट दिया क्रिप्टोक्रोम एक्टिव सो कॉपोन एसपी एसपीए इन इफ लाइट इज प्रेजेंट दैट मीन इफ नो लाइट नो क्रिप्टोक्रोम एक्टिवेशन देन कॉपोन एसपी इज एक्टिव एंड हाई फाइव इज इन एक्टिव एंड फाइनली फोटोमार्फोजेनेटिक जीन इज स्विच ऑफ सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके सो क्या कह रहे हैं आपसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाई फाइव रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोल रहा uh, है क्राई वन बाइंड टू कॉप वन एंड एसपीए कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ हाई फाइव नाइन क्राई वन अगर इससे बाइंड करेगा तो हाई फाइव को फेवर करेगा क्राइम वन बाइंड टू कॉप वन एन एस पी ए कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ फाइव फाइव बीज हंड्रेड परसेंट करेक्ट सी क्या कह रहे सीसीटी क्या कह रहे हैं सीसीटी इज ओवर एक्सप्रेस एक्सप्रेस एंड द प्लांट आर केप्ट इन डार्क अगर सीसीटी ओवर एक्सप्रेस कर रहा प्लांट भले डार्क में है तब भी प्रोसेस नॉर्मल होगा इज़ ओवर एक्सप्रेस लाइट दोनों बातें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि क्रिप्टोक्रोम का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टर्मिनल है सीसी सो सीसीटी क्या है सी टर्मिनल रीजन ऑफ क्रिप्टोक्रोम तो ऑप्शन कौन हो गया मित्र बी सी डी इज करेक्ट आंसर कौन सा आंसर लगाएंगे हम लोग B, C, D इज करेक्ट आंसर सो इस तरह से आप प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए इन टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्रीसियस है एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा सकता है वही क्वेश्चन आपका रिजेक्शन करवा सकता है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन हम लेके आपके लिए आए हैं और ये आपको सबसे पहले मिले इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाए जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग आपका हेल्प कर सके सो थैंक यू अगेन थैंक यू वेरी मच